हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए आज बनाते हैं फालसे का शरबत। तो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी और फायदेमंद तो बहुत ही है, ज़्यादा है। और ये गर्मियों में मिलता है, मई जून में, तो इसको ये 15 से 20 दिन खाली मिलता है मार्केट में। और ये ज़रूर बना के पीजिए, हेल्थ के लिए आपके बहुत ही अच्छा है, बहुत फायदेमंद है दोस्तों। ये हमारा फालसा है, तो इसका शरबत जूस बना के पीजिए, मेरे तरीके से बहुत ही अच्छा लगने वाला है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो देखिए दोस्तों, हमने फालसा ले लिया है, ये 250 ग्राम फालसा है। इसको आधा ही हम बनाएंगे, आधा रख देंगे, बाद में बनाएंगे। तो इसमें हम बाउल में रख लिए हैं। ये दोस्तों मई जून में फालसा मिलता है, बहुत ही अच्छा और टेस्टी होता है दोस्तों, ज़रूर बना के खा पीजिएगा शरबत इसका। तो हमने आधा बाउल चीनी ले लिया है, तो चीनी और फालसे को अच्छी तरीके से मैश करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, खूब अच्छे से उसका बीज गूदा सब अच्छे से मैश हो जाना चाहिए, एक एक बीज अलग हो जाना चाहिए। और देखिए हमने बीज को अलग कर लिया है, मैश कर करके गूदा अलग कर दिया है। देखिए कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से मैश करके और पानी डाल के इसको 3 घंटे के लिए हम रख देंगे, खूब अच्छे से मैश करते हुए। देखिए चीनी हमारा और गूदा सब मैश हो गया है। इसको मिक्सी में नहीं पीसेंगे, ऐसे ही हम शरबत बन, देखिए हमारा कितना बढ़िया कलर आने लगा है। तो इस तरीके से आप करिएगा। अब हम आधा ग्लास के करीब पानी डाल देते हैं, फिर इसको मैश करेंगे थोड़ी देर। देखिए चिल्ड पानी हमारा होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल। अब इसको करके अब 3 से 4 घंटा फ्रिज में रख देते हैं। तो आधा ही बनाया था हमने, करीब 3-4 ग्लास के लिए। तो इस तरीके से देखिए दूसरे बर्तन में कर लिए हैं, क्योंकि वो छोटा बर्तन लग रहा था मेरा। तो अब इसको देखिए अलग अलग हो गया, अब फ्रिज में हम रख देते हैं, 3 से 4 घंटा एकदम चिल्ड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरा 3 घंटे हमने फ्रिज में रख दिया था, बिल्कुल ये पानी इसका चिल्ड हो गया है, शरबत मेरा एकदम ठंडा हो गया है। और कलर भी देखिए कितना प्यारा सा हो गया है, उसको रखने से 2-3 घंटा ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो चलिए अब इसको हम छान लेते हैं। तो इस तरीके से हमें अभी छान लेना है। इस तरीके से दबा दबा के इसको हम छान लेंगे। देखिए ये गाढ़ा सा मेरा ये हो गया है, अभी भी इसमें फालसा का गूदा बचा हुआ है, तो इसकी मैश करके हमने फिर से डाल दिया है। तो इस तरीके से हो जाएगा सारा गूदा एकदम अच्छे से, पल्प इसका निकल जाना चाहिए, खाली बीज बीज रह जाना चाहिए। तो इससे क्या होता, कलर भी बहुत अच्छा आता है, ये फायदेमंद बहुत ही है दोस्तों। इस सीजन में आप जरूर बना के इस तरीके से इसका जूस पीजिएगा, डेली अगर प्रतिदिन पियेंगे तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छा है। अब हमने 2 ग्लास ले लिया है, उसमें थोड़ा बर्फ के टुकड़े डाल देंगे। देखिए इस तरीके से, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप बना के एंजॉय करिए और बताइए कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें हमने थोड़ा सा काला नमक भी मिलाया है, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा खिल के आता है। तो इसको मिला के फटाफट सर्व करिए। ये देखिए दोस्तों, हमारा कितना अच्छा सुपर टेस्टी जूस बनके तैयार हुआ।